भविष्य में ये हो गया तो कैसा होगा, ये काम बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, एक बिजनेस और साथ कर लूं। और ये करना स्वाभाविक है, ये सोचना अपने भविष्य के बारे में स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जितना हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, और इस भविष्य से भी आगे भविष्य है, इस मानव जन्म के बाद का जो भविष्य है, उसके लिए भी हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे, हे राजन, तुमको ये अवसर प्राप्त हुआ है भागवत कथा श्रवण करने का, अपना चित्त अपना मन लगा करके इस कथा में डूबो, इसको श्रवण करो। 7 दिन क्या, एक घड़ी एक क्षण में भी भगवान तक पहुंचाने की शक्ति भागवत रखती है। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, चतुश्लोकी भागवत गाई गई, भगवान के विराट रूप का वर्णन आया। भगवान ने, जैसा कहा हमने, कि भगवान ने ही संसार को बनाया, खुद ही बने भगवान संसार। क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है, कोई माने न माने दुनिया के देश, पर हम भारतीय परंपरा के लोग, सनातनी परंपरा के लोग मानते हैं कि इस जगत के कण कण में